गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज़ है जिसपे हम कैंगन वाटर और मेडिकल कंडीशंस पे बात करते हैं। तो आज हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशंस पे आपको बताएंगे, वो है डायबिटीज़ टाइप 2 एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ टाइप 2 के तो पेशेंट्स इंडिया में हाईएस्ट नंबर हैं, वी आर द डायबिटिक कैपिटल। बट ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। आमतौर पे दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो ब्लड शुगर को तो कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन इसके अलावा उसका बहुत ज़्यादा रोल डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं होता। कैंगन वाटर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, वो है कि ये 3 फैक्टर्स से डायबिटिक पेशेंट्स की हेल्प करता है। पहला फैक्टर कि ये आपका जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, उसको बढ़ाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि खून पतला होता है और एसिडिक कंटेंट उसमें कम होता है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बढ़ जाता है। दूसरा, ये जो ग्लैंड है जिससे कि इंसुलिन प्रोडक्शन पैनक्रियास से, ये उसको थोड़ा सा इन्हेंस करता है, क्योंकि ग्लैंडुलर फंक्शन पे कैंगन वाटर का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ये ग्लैंडुलर फंक्शन को बेटर करता है और उससे इंसुलिन लेवल भी रेगुलेट होता है। और तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है, जो मैंने अपने पेशेंट्स पर देखा है, मैं भी पिछले एक साल से, डेढ़ साल से अपने पेशेंट्स को ये दे रहा हूँ, एंड आई हैव सीन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन द शुगर। इसका जो एक पेशेंट को जो एक फ्रेशनेस होती है, या उसके जो दर्दों में कमी होती है, या उसके लेग्स में जो पेन कम हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को हम 5 से 7 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक के लिए तैयार कर सकते हैं। ये 5 से 7 किलोमीटर की जो ब्रिस्क वॉक है, ये डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में, डायबिटीज़ की टोटल कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज में उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, ये कैंगन वाटर के इस्तेमाल से बहुत लोगों को इसका रिज़ल्ट मिल जाता है विद इन ए मंथ, कुछ को विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 100% लोगों को इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। और मैंने देखा है कि कैंगन वाटर पीने से लोग जो हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन की मैं बात करना चाहता हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का चोली दामन का साथ है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन, जब 40 के बाद, 50 साल के बाद बीपी इज़ वेरी कॉमन। आजकल यंगस्टर्स में भी उतना ही कॉमन हो गया है। बीपी का जो मेन रीज़न है बढ़ने का, दिस इज़ अ प्रेशर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड। जो हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये रेजिस्टेंस 2 किस्म से होती है, एक तो खून गाढ़ा है तो रेजिस्टेंस होगी, उसको पुश करना मुश्किल होगा हार्ट के लिए, और सेकेंडली कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके अंदर की ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो स्टिफंड हो जाएंगी, स्टिफंड मतलब वो थोड़ी सी उसमें टेंशन बढ़ जाएगी और वो स्टिफ हो जाएंगी, उसमें वो मुलायम नहीं रहेंगी, तो इससे भी ब्लड प्रेशर को, बैक प्रेशर बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये 2-3 चीज़ों से इसका बहुत ज़्यादा सीधा रिलेशन है, एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल से, और दूसरा स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनको ये दोनों चीज़ें, कंडीशंस अफेक्ट करती हैं। और तीसरा, स्ट्रेस तो आपको पता ही है, स्ट्रेस तो बहुत कॉमन फीचर है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैंगन वाटर से हमने ये देखा है कि कैंगन वाटर से आपकी जो सबसे पहली बात कि खून पतला होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाती हैं। सेकेंडली, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं, क्योंकि उस पर जो एसिडिक कंटेंट के कम होने से, अल्कलाइन बॉडी को अल्कलाइन होने से जो सॉफ्टनिंग आती है ब्लड वेसल्स में, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। और तीसरा, अगर ये थोड़ा सा भी स्ट्रेस फैक्टर इससे कम होता है, जैसे मैंने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा हेल्दी महसूस कर रहे हो, थोड़ा आप वॉक कर रहे हो, या आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर आमतौर पर 1 महीना या 2-3 महीने के इस्तेमाल के बाद, कैंगन वाटर पीने के बाद, आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर विद इन कंट्रोल है। दवाई आपको कम करनी पड़ सकती है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो आप इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से और डायबिटीज़ से, दोनों से आप रिवर्सल कर सकते हैं।
हम यहाँ पे कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं रिवर्सल के फेवर में हूँ। हर एक बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है और इस पानी का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो पानी से हाइड्रेशन प्रॉपर होगी, उससे आपके अंदर की जो मसल्स हैं या आपके अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो सॉफ्ट होंगी और ब्लड और हार्ट को पंप करने में बहुत बड़ी असिस्टेंस मिलेगी। आपका ब्लड थिन होगा तो पंपिंग भी अच्छी होगी। इन्हीं दो फैक्टर से आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर विद कैंगन वाटर आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।